हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका आज की टेक न्यूज़ में। दोस्तों आज बहुत सी अच्छी न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक जरूर करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली टेक न्यूज़ की तरफ। तो ओपन सिग्नल जो कंपनी है उसकी तरफ से खबर आ रही है और उसने बताया है कि जियो अभी भी अपने टॉप पे चल रहा है। ये इतना सब हंगामा होने के बाद भी जियो अभी भी 4G के मामले में टॉप पे, जो कि बताता है वो 98.7% 4G सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। जो ओपन सिग्नल की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि एयरटेल जो जियो को पीछे धकेलना चाह रहा था कुछ दिनों पहले, जैसे कि आपको पता ये सब हंगामा हुआ था, तो उससे उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो अभी भी 89.2% तक है, उसने अभी ग्रोथ किया है, और जो जियो है वो 97.8% तक अपने 4G पे पूरे इंडिया में है। तो दोस्तों जियो की तरफ से काफी अच्छी बात है। बढ़ते दोस्तों अगली टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आज चाइना में हॉनर बैंड 5i जो कि स्मार्ट फिटनेस बैंड जो होता है वो है, तो वो आज लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों पहला फिटनेस बैंड है जिसमें आप सीधा अपने फोन के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो सिर्फ 1600 रुपए में चाइना में आया। और दोस्तों बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों बहुत टाइम बाद लावा ने अपना Z41 स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर पे आता है, यानी कि 4 कोर वाला प्रोसेसर। और दोस्तों इसकी प्राइस है 3800 रुपीज, जिसमें आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों इसकी अच्छी बात यह है कि ये एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर आता है और ये एक गो एडिशन है लॉ की तरफ से। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, तो अगर आपका बजट काफी कम है, तो आप जरूर से जाके इस फोन को खरीद सकते हैं और ये ऑफलाइन अवेलेबल हो चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली टेक्निक। तो दोस्तों आज चाइना में ऑनर 20 लाइट लॉन्च हो चुका है, और दोस्तों ये काफी टाइम से लीक्स पे चल रहा था, तो इसमें पता चल गया फाइनली ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ इन चाइना में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों ये आता है 48 मेगापिक्सल सोनी के सेंसर के साथ, जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरास मिलते हैं। और दोस्तों फ्रंट में आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल की सेल्फी। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये आता है 16,000 रुपीज को अगर कन्वर्ट करते हैं। ये 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाली वेरियंट की प्राइस है। अगर इंडिया में आता है तो दोस्तों इससे काफी कम प्राइस में आने वाला है। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है। इसमें आपको मिलता है उनका खुद का प्रोसेसर किरिन 710F प्रोसेसर, जो कि काफी केपेबल प्रोसेसर है। दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A51 आज लीक हो चुका है, जिसमें बताया गया कि क्वाड कैमरास के साथ आता है। और दोस्तों इसकी अच्छी बात यह कि ये आता है एंड्रॉयड 10 के ऊपर और 5G सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये जो लीक हुआ ये है एक्सिनोस के 9611 प्रोसेसर पे है, और ये अगले साल लॉन्च होने वाला था, पर इसकी जो लीक्स आने लग गई हैं, तो दोस्तों लॉन्च भी काफ़ी जल्दी होने वाला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली टेक्निक। दोस्तों गूगल पिक्सल 4 की तरफ से खबर आई है कि जो गूगल पिक्सल 4 के कैमरे के बारे में हाइप बनाई गई थी वो झूठी हाइप थी, यानी कि गूगल ने जानबूझ के बनाया था। अब आज उसका DXO स्कोर बाहर आ चुका है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S10 से भी कम है। उसका स्कोर दिया गया है 112, यानी 112 स्कोर है। बाकी जो भी फ़ोन है जो हाईएस्ट में है उनका है 131, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और जो गूगल के बारे में कैमरे के बारे में हाइप बनाई गई थी उसका स्कोर है सिर्फ 112। तो आज की टेक न्यूज़ यही खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे करें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते मिल जाए। तो दोस्तों मैं सचिन भट्ट, आप देख रहे थे आज की टेक न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय and take care.